आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। और कोई तरीका बाकी रह गया था क्या? हैं? वो मान नहीं रहा था। वीरा से पूछ, कितने चक्कर काट चुकी है उसके घर की, कितनी परेशान थी उस दिन। चाची जी से पूछ। तो बस मैं बात करने चला गया। कृषि विद्यालय तक रोड निकालनी थी ना, सीधी उंगली से घी निकल रहा था ना, तो बस कर दी उंगली टेढ़ी। गेंदा मल जी को धमकी दे के जमीन की मंजूरी दी, जबरदस्ती दस्तखत कराए तूने? तो शिकायत लगाई है उसने। बलदेव, शिकायत नहीं लगाई उसने, लेकिन कोई तरीका है? और कोई तरीका बाकी रह गया था क्या? हैं? मान नहीं रहा था। वीरा से पूछ, कितने चक्कर काट चुकी है उसके घर की, कितनी परेशान थी उस दिन। चाची जी से पूछ। तो बस मैं बात करने चला गया। और कौन सा सच में मैं उसकी बेटी उठा ले जा रहा था, बस धमकी दी थी मैंने। और अंगी उसने ना मुफ्त में जमीन नहीं दी है, अच्छे खासे पैसे लिए हैं उसने। पैसे उसने मजबूरी में लिए हैं और मंजूरी भी उसने मजबूरी में ही दी है। रणवी, अगर वो मजबूर नहीं होता ना, तो हम लोग होते मजबूर। काटती रहती वीरा, काटती रहती दफ्तरों के चक्कर। कृषि विद्यालय तक रोड निकालनी थी ना, सीधी उंगली से घी निकल रहा था ना, तो बस कर दी उंगली टेढ़ी। अच्छा, अबे गुंडा गर्दी चलेगी कृषि विद्यालय के काम में, कल को अगर कहीं गड्डी अटक जाएगी तो तू खंजर रख लेगा गले पे? हैं? ऐसे लगाओ लोगों की मंजूरियां? हाँ, ऐसे ही लूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे ही चलता है और ऐसे ही दुनिया चलती है। मिन्नत नहीं करनी पड़ती। सीधी सी बात है रणवी, अगर मैं वहां खंजर नहीं दिखाता ना, तो हमें जमीन मिलती ही नहीं चाहिए। मैं ऐसी जमीन अभी के अभी जा रहा हूँ, कागज लौटा के उसे। मैं नहीं लौटाता। जा, क्यों लौटाऊं मैं? हैं? कैसी बातें कर रही है? अगर सारे कागज लटा दिए ना, वीरा का काम वहीं ठप पड़ जाना है। वीरा बहन है मेरी, तुझसे ज्यादा मुझे फिक्र है उसके काम की और पापा जी के सपने की, समझ आई? तेनु वेख के ना लगता नहीं है कि तेनु कोई फिक्र है। अगर तेनु फिक्र होती ना, तो ये जो काम हो गया ना अच्छा भला, उसको तू रद्दी में नहीं डाल रहा होता। ऊंची आवाज में बात मत कर मुझे रणवी। काम होगा तो शराफत से होगा, गुंडागर्दी से नहीं। शराफत से ना तेनु चिड़िया का घोंसला तक नहीं मिलना है। जमीन की बात करता है। तो जानो तुम क्या हो यार? छोटे चंद क्या हो गया? तुम लोग लड़ क्यों रहे? प्लीज 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 समझाइए ना इन्हें। वीरा, ऐसा लड़का चुने तूने अपने लिए, जिसके लिए शराफत की कोई कीमत ही नहीं है, जिसे यह लगता है कि पूरी दुनिया को डरा धमका के जीता जा सकता है। एक गुंडे की बीवी बनना चाहती है? वीरा, तू यह जानना चाहती थी ना कि मैं इस विवाह के बारे में क्या सोचता हूं? तो सुन, मेरा जवाब इस विवाह के वास्ते ना है।
अपनी बहन का ब्याह इस आदमी से नहीं होने दे सकता। सुन, किस बात पे झगड़ा हुआ ये तो बता। रणवीर, तूने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मुझसे पूछने के बजाय तू अपने वीर से क्यों नहीं पूछती? मैं तैनू पूछ रही हूँ, क्या कमी है मेरे वीर जी में? कमी? कोई कमी नहीं, सब कुछ तो है, जोश है, ताकत है, पूरे पिंड को डरा धमका के रखता है, पूरी दुनिया जीतने का ना तरीका ढूंढ लिया उसने, खंजर लेके घूमता साथ में, सब कुछ है तेरे वीर में, लेकिन वो वीरा के लिए सही नहीं है। रणवीर, वो कितना प्यार करते हैं वीरा से, उसकी खुशी में खुशी ढूंढते, उसके दुख में परेशान होते, कितना समझते हैं वो वीरा। नहीं समझता गुंजन, नहीं समझता वो वीरा को, क्योंकि अगर वो वीरा को समझता होता तो उसकी मदद करने के लिए है गुंडागर्दी का सहारा नहीं लेता, उसमें समझ की बहुत कमी है। बलदेव को सब कुछ एक खेल लगता है, संजीदा नहीं है वो, और आगे जाके भी अगर ऐसा आगे कुछ का आगे देखेंगे रणवीर, तो आज की बात कर, तो अभी देख कितना प्यार करते दोनों, कितने खुश है एक दूसरे के साथ, और रणवीर वीरा वो भी तो कितना प्यार करती है वीर जी से। तनु की लगता है ए बात मनु दिखाई नहीं देती गुंजन, तनु की लगता है कि मैं वीरा का दिल दुखा के बहुत खुश हूं, तनु भी दर्द होता है गुंजन, मैं भी तड़प रहा, लेकिन इसका मतलब है नहीं है अपनी बहन की आज की खुशी के लिए मैं उसको जिंदगी भर रोता हुआ नहीं देख सकता। वीरा का साथ निभाने के लिए, उसको उसको हर मोड़ पे संभालने के लिए जिस समझ की जरूरत है ना गुंजन, वो नहीं है बलदेव में, वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। रणवीर, तनु सिर्फ वीर जी की खामियां नजर आ रही है, लेकिन खामियां तो वीरा में भी है, पर दोनों एक दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं रणवीर, तभी तो दोनों एक दूसरे के लिए सही है। गुंजन, अगर तू ऐसा सोचती है तो इस बहस का कोई अंत नहीं है, आखिरी फैसला मैंने लेना था, मैं ले चुका हूं, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। रणवीर, लेकिन मेरी बात पूछो ही मत, कुछ पूछो ही मत बहन जी, बलदेव की तो जैसे ना मत ही मारी गई है, तो वीरा ही मिली थी क्या उसनु? देखना आप सब कैसे इस घर में आके ना नचाती हो, मैंने मेरे पुत्र की तो पता नहीं जुबान भी खुलनी है कि नहीं उसके सामने। तो एवे ही बुरा सोच रही हो बंसुरी पड़ जाए जी, वीरा तो मैनू बहुत सोनी लगती है, खुशियों से भर देगी आपका आंगन। शादी तो जुआ है जी जुआ, बंसुरी पड़ जाए जी का डर सही है, वैसे सुनने में आया है कि रणवीर ने अभी तक हानि की है। आप लोगों को और कोई काम नहीं है, सारे दिन यहाँ बैठे पंचायती करते रहते हो, चलो जाओ जी अपने घर वापस। वीरों के लायक नहीं हूँ, कौन होता है सोचने वाला? बलदेव पुत्र, की हो गया, की कर रहे, क्यों आया है दस मेनू? वो रणवीर का बच्चा सोचता है कि मैं वीरा के लायक नहीं हूँ, मना कर दिया उसने ब्याह के लिए। सच्ची? मतलब सच्ची मना कर दिया उसने ब्याह के लिए? पर क्यों? दिमाग खराब हो गया उसका इसलिए। तू गुस्सा ना कर पुत्र, एक एक मिनट तू पर अपना गुस्सा ठंडा कर, ये भी तोड़ दे। हाँ शांत हो जाए। वैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई गाल कहती है कि तू वीरा के लायक नहीं है, ना उसकी बहन बड़ी आसमान से उतरी है कि वो हूर है और तू लंगूर। पुत्र मैंने तो पहले ही कहा था तेरे को, रणवीर के दिल में ना तेरी कोई औकात नहीं है, वो तो सुनता का आजकल मेरी, पर कोई गल नहीं है, तू चिंता ना कर, तेरी बिजी है ना, उस पुत्र को एक बार यहाँ कर,
और वीरा से 100 गुना अच्छी लड़कियों की लैन लगा दूंगी मैं, लैन। हाँ तू चिंता ना कर। बीजी चलती गड्डी में चढ़ना बंद करो, मैंने पता है क्या करना चाह रहे हो, और सुन लो मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वीरा से, रणवीर हाँ बोले या ना बोले। ओए है की है वो, अब कौन सा भूचाल आ गया तेरे कमरे में? ऐसा सब आपके पुत्र ने किया है। पर क्यों? क्योंकि रणवीर ने ब्याह के लिए मना कर दिया। रणवीर ने शादी के लिए? अरे रब्बा, कितनी बुरी खबर सुनाई आपने। कितना खुश था मैं ये सोच सोच के कि वीरा हमारे घर की बहू बनी, रौनक आ जानी हमारे घर में, हमारी किस्मत है चमक। रणवीर तो कहता है कि बलदेव तो वीरा के लायक ही नहीं। वैसे सच कहूं ना बंसली जी, कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही पता था कि रणवीर इतनी आसानी से हाँ नहीं करेगा बलदेव के लिए, और वैसे गलती उसकी है भी नहीं। अगर मैं भी वीरा का प्यो होता ना तो शायद मैं भी हाँ नहीं करता इस रिश्ते के लिए। लो जी मेरी कदर मेरी प्यो को ही नहीं है तो बाहर वालों को क्या खाक होगी। बलदेव मेरी गलती, और सुन तो अब क्या कह रहे हो आप ना, जिंदगी भर मेरे पुत्र में खोट निकालते रहना, और वो रणवीर वीरा उसने पता नहीं कौन से सुरखाब के पर नजर आते हैं आपको बचपन से। पर मेरी गल सुन लो तुम, मैं अपने पुत्र के लिए वीरा से 100 गुना ज्यादा चंगी कुड़ी ढूंढ के दिखाऊंगी आपको, देखना आप। अच्छा जी हाँ ठीक है, फिर ये शुभकामना अभी से ही शुरू कर दो आप, फिर जाके कहीं ना जब आपका पुत्र 70 साल का हो जाएगा शायद आपको वीरा के आसपास की खूबियों वाली कुड़ी मिल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।